फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपसे एक समर फ्लावरिंग प्लांट की केयर टिप्स के बारे में बात करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं अपने गार्डन में कुछ फ्लावर्स आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से ब्लूमिंग हो रही है मेरे गार्डन में अभी, और सनफ्लावर बहुत ही अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट भी करिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये देखिए, पेंटास बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं मेरे गार्डन में, और इनकी मैंने बताई है, इनकी डेड हेडिंग बहुत ही ज़रूरी है। ये जो ऊपर की फ्लावरिंग के बाद ये स्टेम सूख जाती है तो इसको कट करके हटा देते हैं। तो देखिए कितना ज़्यादा प्लांट मेरा घना हो गया है बिल्कुल। और ये प्लांट तो बिल्कुल छोटा सा था, और अभी देखिए कुछ दिन पहले बिल्कुल छोटा सा, सिर्फ 4 ब्रांच थी इसमें, और अब देखिए पूरे गमले को इसने कवर कर लिया है। और ये सदाबहार है, इनकी पिंचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही फ्लावर सूख जाते हैं तो झड़ जाते हैं, उनमें सीड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर इधर ये मेरे ही हिबिस्कस के फ्लावर्स हैं, बहुत अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा यहाँ पे ब्लूम्स हो रहे हैं उतने ही मेरे थर्ड फ्लोर पर पूरे हिबिस्कस बहुत अच्छे फ्लावरिंग कर रहे हैं इस टाइम पर। और ये देखिए मिनिएचर वेराइटी के हिबिस्कस हैं, और काफ़ी इस टाइम पर कैटरपिलर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा गार्डन में, और उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड अगर यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा इस समय गर्मी हो रही है तो पौधों को भी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मुझे जो देख जाते हैं उनको मैं निकाल कर उठा कर फेंक देती हूँ। और इधर देखिए डहेलिया में एक छोटा सा फ्लावर आया हुआ है अभी भी, और इनको मैंने इस साल ऐसे ही रहने दिया है। लास्ट ईयर मैंने इनके बल्ब निकाल लिए थे, लेकिन इनको मैंने इस साल इसी तरह रहने दिया है। ये देखिए यहाँ पर एक कैटरपिलर बैठा हुआ है, देखिए साइड में, ये देखिए ये बस इसी तरह से पूरी पत्तियों को खा जाते हैं, और इतनी जल्दी इनकी क्वांटिटी बढ़ती है, यानी इनकी हाइट भी बहुत जल्दी मतलब कि बढ़ जाते हैं पत्तियां खा खा के। और ये देखिए मैं इसको बाहर ऐसे सिर्फ ऐसे ही मैं उठाकर फेंक देती हूँ इनको। तो इस तरह से इधर एडेनियम में काफ़ी अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग हो रही है एडेनियम में, और काफ़ी दिन हो गए, लगभग ये 20-25 दिन से इसी तरह खिले हुए हैं और पूरे फुल फ्लावरिंग पे हैं। जितने भी प्लांट हैं मेरे बहुत ही अच्छे से ब्लूम्स हो रहे हैं। इस प्लांट में अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं, बस इसकी ग्रोथ अभी काफ़ी अच्छी हो गई है, और मैंने इसको बोन मिल दिया है तो बोन मिल से इनमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए जितने भी प्लांट मेरे थे काफ़ी अच्छे ब्लूम्स हो रहे हैं, ये देखिए। तो आज का टॉपिक जो हमारा है टिकोमा प्लांट है, मैंने इस पर कई वीडियो बनाए हैं इनकी केयर के बारे में। तो अभी मैं जो इस पर बात करने वाली हूँ वो इसकी टिप्स, जो ये ऊपर की टिप्स होती है उसके बारे में है। तो फ्लावरिंग के बाद जैसे कि ये पूरी स्टेम ऐसे हो जाती है तो इनको बहुत ही ज़रूरी होता है हटाना। तो यहाँ से 2-2 ब्रांच निकलती हैं और फिर काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है प्लांट की, काफ़ी अच्छा बूसी बनता है प्लांट और खूब अच्छी फ्लावरिंग करता है। जितनी ज़्यादा इसकी ब्रांच होंगी उतने ज़्यादा इसमें फ्लावर आएंगे। तो मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि किस तरह से इनको हमको कट करके हटाते जाना है। तो ये देखिए जो ऊपर की इसकी टिप होती है आप हाथ से भी तोड़ के हटा सकते हैं, फिर आप इस तरह से कैंची से इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए जितनी भी इसके ऊपर की टिप होती है आप इन सबको, जो फ्लावर खिल चुके हैं उनको आप हटाते जाएंगे इस तरह से। ये देखिए ये बहुत ही ज़रूरी है इसमें करना, और पेंटास की भी इसी तरह से है। जितने भी यानी हम जो ऊपर की टिप होती है इसको ऐसे कट करते जाते हैं तो खूब अच्छे यानी डबल से साइड ब्रांच निकलती हैं और खूब ज़्यादा प्लांट घना होता जाता है। और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट कितना ज़्यादा अच्छा बूसी बन गया है, और ये प्लांट मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। अब हम बात कर लेते हैं इसकी समर केयर पे। तो समर में आप केमिकल फर्टिलाइज़र तो बिल्कुल भी मत यूज करिए क्योंकि केमिकल से बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड होती है और प्लांट को नुकसान हो सकता है, प्लांट डैमेज हो सकते हैं। तो वैसे भी इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आप इसमें गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। और मई जून के मंथ में तो आप बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र मत दीजिए, सिर्फ पानी बस दीजिए इनको सुबह शाम, और खूब अच्छे से ये फ्लावरिंग करेंगे क्योंकि ये समर के फ्लावरिंग प्लांट ही हैं। समर और रेनी सीजन में बहुत अच्छे से इनमें फ्लावर्स आते हैं और काफ़ी अच्छे प्लांट ग्रो होते हैं, जो कि बहुत अच्छा गार्डन को लुक देते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप इनको इस तरह से केयर करिए इनकी। और पेस्ट वगैरह इसमें मिली बग्स कभी कभी अटैक हो जाता है मिली बग्स का, तो अभी तो इस टाइम पे गर्मी में नहीं लगता, जब बारिशें थोड़ी स्टार्ट होती हैं तब इसमें कभी कभी पेस्ट अटैक हो जाते हैं। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ, मैं सीजर लेकर आई थी बट ये हाथ से ज़्यादा अच्छे बन रहे हैं, मैंने इसको ऐसे ही कट करके हटा दिया। इस तरह से इनकी ब्रांच को हटाते जाना है, सारी ब्रांच जितनी भी हैं। तो जो हमारी साइड ब्रांच निकलेंगी उसमें बहुत ज़्यादा अच्छी हैवी ब्लूमिंग होगी फिर।
तो पानी का ध्यान रखिए, पानी आप इसको दोनों टाइम दीजिए, क्योंकि फ्लावरिंग के टाइम में इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगता है, बिल्कुल पानी सूख जाती है इसकी मिट्टी बिल्कुल से। तो आप जब इसके फ्लावर्स आ रहे हों तो पानी बहुत अच्छे से दीजिए इसको, एकदम बिल्कुल गीला भरा भरा नहीं रहना चाहिए कि बिल्कुल नीचे से पानी ना निकले। पानी आप दीजिए, मिट्टी मॉइस्ट रहनी चाहिए ताकि प्लांट अच्छा हेल्दी रहे, नहीं तो फिर पानी थोड़ी सी भी पानी की कमी होती है तो इसकी पत्तियाँ पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं और फिर प्लांट यानी ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे पत्तियाँ झड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आप बहुत ही ध्यान रखिए इस टाइम पे। और वैसे तो फुल सन में चलने वाला प्लांट है, काफ़ी अच्छा। मैंने इसको थोड़ा सा एडी प्लेस पे रख दिया था तो इसकी फ्लावरिंग बंद हो गई थी, तो मैंने इसको फिर से फुल सन में रख दिया है और काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग होती है। फुल सन में रखने से इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है, तो आप इसको फुल सन लाइट में रखिए। हाँ, दोपहर के बहुत ज़्यादा हीट जब हो मई जून के मंथ में तो आप इसको थोड़ा सा साइड प्लेस में रख सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं और लू चलने लगती है, नहीं तो आप इसको धूप में ही रखिए, काफ़ी अच्छे से यानी ग्रो होंगे। बस पानी का बिल्कुल ध्यान रखिए, पानी अगर कम हो जाएगा तो फिर इसकी पत्तियाँ बर्न होकर सूखना स्टार्ट हो जाएंगी, तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना है। और इजली कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, तो रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। मैंने तो सारे प्लांट अपने काफ़ी सारे प्लांट इसकी कटिंग से ही तैयार किए थे। ये देखिए, ये मेरे जो दो प्लांट यहाँ पर लगे हुए हैं मेरे सारे कटिंग से हैं, बाकी मैंने दो तीन प्लांट और दे भी दिए थे, मेरे बहुत सारे तैयार हो गए थे। और ये प्लांट मेरा जो है इसका मदर प्लांट है, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है और ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ इनमें होती हैं, तो कलर भी काफ़ी सारे मिल जाते हैं। तो इस साल तो नर्सरीज वगैरह लॉकडाउन के चलते कोई भी, मैं तो बिल्कुल भी नहीं गई हूँ नर्सरीज, बाहर घर से हम लोग निकले ही नहीं हैं। और आप लोग भी ऐसे ही करिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए, अपने घर में रहिए और अपनी फैमिली और अपने प्लांट्स का ध्यान रखिए। जो भी प्लांट्स हैं वही हमारे काफ़ी यानी कि समर में वैसे भी बचाना मुश्किल हो जाता है, तो जितने प्लांट्स हैं उन्हीं की हम केयर करें वही बहुत है अभी। और थोड़ा सा हमको लगता है कि हम सीजनल प्लांट ला के अपने गार्डन में ऐड करें ताकि कुछ नया आप लोगों को दिखा सकें, लेकिन इस बार बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सका। तो जो मेरे घर में प्लांट्स थे यानी हैं जो, मैं उन्हीं के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। और मिट्टी बनाते समय आप ध्यान रखिए इसकी मिट्टी अच्छी वेल्डन बनाइए, एक भाग मिट्टी, एक भाग सैंड और एक भाग कंपोस्ट, तीनों को एक समान यानी मात्रा में मिला करके इसकी मिट्टी तैयार कीजिए। बहुत अच्छी वेल रेन मिट्टी रहेगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। और मैं अपनी मिट्टी इसी तरह से तैयार करती हूँ, मेरे यहाँ थोड़ा मैं सैंड की मात्रा बल्कि ज़्यादा कर देती हूँ लेकिन कम नहीं करती हूँ, क्योंकि सैंड से इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा यानी बढ़ती हैं, तो प्लांट भी काफ़ी अच्छे हेल्दी होते हैं। तो मैं तो इसी तरह से अपनी मिट्टी तैयार करती हूँ। मैं आप लोग के साथ अपनी जो मिट्टी तैयार करती हूँ, मैंने कई बार शेयर भी किया हुआ है, जो मैं अपने प्लांट्स में लगभग हर प्लांट्स में वही मिट्टी तैयार करती हूँ। सिर्फ अडेनियम की मिट्टी मैंने इस तरह से तैयार की है, सिर्फ इसमें 80% सैंड और 20% मैंने कंपोस्ट मिलाई है, वर्मी कंपोस्ट। बाकी की मिट्टी मैं इसी तरह से तैयार करती हूँ जितने भी मेरे प्लांट होते हैं, तो इसी तरह से मैं इन सब की केयर करती हूँ। तो आज मेरी ये टिकोमा पे यही था कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, नहीं ये क्या होता है, ये फालतू एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं और फिर प्लांट की ग्रोथ भी रुक जाती है कभी कभी। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ऊपर की टिप को प्रून करते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से ऐसे बूसी बनते रहेंगे, देखिए कितनी अच्छी न्यू न्यू ब्रांच निकलती रहती हैं इनमें। और काफ़ी लोग कमेंट में बोलते हैं कि हमारे प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो ये इसी वजह से होता है। आप प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करिए, उसमें थोड़ा फर्टिलाइज़र दीजिए फेब्रुअरी और मार्च के मंथ में, और उसके बाद फिर जब भी फ्लावरिंग कर लेते हैं तो आप इनकी टिप को ऊपर से कट करते जाइए, तो यहाँ से बहुत अच्छी न्यू न्यू ब्रांच निकलती हैं। और थोड़ा बड़े गमले में लगाएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, जब प्लांट छोटा रहे तो आप 8 इंच 10 इंच के गमले में लगा सकते हैं, लेकिन जैसे प्लांट बड़ा हो जाता है तो आप कम से कम 12 से 14 16 इंच के गमले में इसको लगाइए, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी इसकी। और ये देखिए, मैंने इसको लगभग 14 इंच का होगा ये ग्रो बैग्स मेरा, या फिर थोड़ा और बड़ा होगा, मैंने जो ग्रो बैग्स अपने घर में बनाए थे उन्हीं में लगाया हुआ है। और ये वाला प्लांट मेरा एक बकेट में मैंने लगाया है, लगभग 16 इंच या फिर 10 लीटर की बकेट है उसी में मैंने लगाया हुआ था, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। और जब भी आपको लगे बहुत ज़्यादा इसकी रूट बाउंड हो रही है तो आप प्लांट को रेनी सीजन में निकाल करके उसकी रूट भी कट कर सकते हैं, लेकिन ये काम आपको रेनी सीजन में करना है, अभी बिल्कुल भी नहीं करना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। और फर्टिलाइज़र प्रूनिंग और रिपोर्टिंग आप बिल्कुल भी मत करिए, ऊपर की टिप बस इसकी इस तरह से प्रून करनी है, बाकी हार्ड प्रूनिंग नहीं करनी है इसकी। आप हार्ड प्रूनिंग रेनी सीजन में कर सकते हैं या तो फिर फेब्रुअरी के मंथ में कर सकते हैं, तो
तो इस तरह से इनकी केयर करिए, पानी का आप ध्यान रखिए। पानी आप जब भी सुबह सुबह पानी देते हैं, पानी जब भी दें सुबह ही दें, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा स्प्रे करके या सेमिस्टिंग करके पानी दें, अच्छे से थोड़ा सा पानी को छिड़क करके पानी दें, तो काफ़ी अच्छे दिन भर इनमें ग्रीनरी बनी रहती है और धूप से कुछ नुकसान भी नहीं होता है, धूप सहने की यानी इनमें शक्ति मिलती है अगर ऐसे हम पानी देते हैं। तो इस तरह से इनकी केयर करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।